पाचन तंत्र का साथ देकर देखें तो पाचन पाचन होता है किसका? एक मिनट, पाचन और तंत्र दो शब्द से मिलकर बनता है, पाचन और तंत्र, पाचन आहार का पाचन करने के, आहार का पाचन, और तंत्र होता है तंत्र, आपने आपने सुना होगा तंत्र, ये कोशिका कोशिका से बनते हैं उत्तक, और उत्तक से बनता है अंग, और अंग से बनता है तंत्र, उन्हीं तंत्रों में से एक तंत्र है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में होगा सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स से बनते हैं सिस्टम। ठीक है दोस्तों, पाचन का साथ दिवस के बाद में हम अध्ययन करते हैं। ये पाचन तंत्र है हमारे बॉडी का, इसमें पाचन तंत्र का सर्वप्रथम भाग होता है मुख गुहा, इसको बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा से आगे का होता है ये भाग जिसको बोलते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी से नीचे का भाग होता है इसको बोलते हैं आमाशय। जब भोजन ग्रहण किया जाता है मुख के द्वार के द्वारा, तो यही जिसका पाचन शुरू हो जाता है, इसके लिए पाचन के लिए जब हमारे लाल ग्रंथि होती है, तो तीन लाल ग्रंथियां होती है यहाँ, तीन लाल ग्रंथियां, जिनसे लार का स्राव किया जाता है, और लार लार के साथ में उसमें पाया जाता है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। मित्रों टाइलिन एंजाइम सर्वप्रथम पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब पाचन जो तंत्र है उसमें सर्वप्रथम पाचन होता है, सर्वप्रथम पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसको बताने का कार्य होता है टाइलिन एंजाइम। यह मुख गुहा में होता है, लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम होता है मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद में मुख गुहा के कुछ भाग होते हैं जिसमें होती है जीवा और दंत, जो दंत है जो अपने आहार लेते हैं उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटने का कार्य किया जाता है दंतों द्वारा। मानव दंत के बारे में बात करें तो मानव दंत चार प्रकार के होते हैं, दंत चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, चार प्रकार के दांतों को हम एक दंत सूत्र से परिभाषित करते हैं। दंत सूत्र इस प्रकार है, एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। यह जो दंत सूत्र है यह अर्ध जबड़े का दंत सूत्र होता है, अर्ध दंत सूत्र, इस प्रकार के जो 32 दांत होते हैं इसमें टोटलिंग करते हैं दो होते हैं इनसाइड दो ही नीचे, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इनसाइड दो ऊपर दो नीचे, कैनाइन एक ऊपर एक नीचे, प्रीमोलर दो ऊपर दो नीचे, और मोलर हो गए तीन ऊपर तीन नीचे। इस प्रकार से 2 और 1 3
जो भोजन का माध्यम होता है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करने के लिए HCl इसमें मिल जाता है, जिस पर HCl मिल जाने के बाद में जो जठर रस होता है, आमाशय जस्वायत के अंदर जठर रस जो अम्लीय भाग में कार्य कर पाता है, इसलिए ये अम्ल HCl अम्ल आमाशय में स्वायत्त करता है और आमाशय में जठर रस होता है, जठर रस जिसकी विशेषता यह होती है कि अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकता है, इसलिए HCl मिल जाने के बाद में जो भोजन का माध्यम होता है पोषण का वो अम्लीय हो जाता है, उसके बाद जठर रस कार्य कर सकता है। जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम स्वायत्त होते हैं, जठर रस जिसमें पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, पेप्सिन जो एंजाइम है तो पेप्सिन एंजाइम है ये पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम में कार्य होता है प्रोटीन का पाचन और रेनिन एंजाइम भी होता है जो दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, दूध में कैसीन उसका पाचन किया जाता है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे और इसके बारे में आप जरूर मुझे बताएं कि एक किताब आपको कैसी लगी, अपने बारे में जो भी सजेशन देना हो तो दें, आगे का अध्ययन हम करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।